फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की मरियम नवाज से शिकायत, वजीर आला पंजाब का एक्शन सामने आ गया, क्रिकेटर ने सब कुछ सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। पंजाब की नौ मंतखब वजीर आला मरियम नवाज ने पाकिस्तान सुपर लीग PSL 9 में कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की शिकायत पर वाके का नोटिस ले लिया। मोहम्मद आमिर ने 26 फरवरी को ट्वीट की थी, जिसमें उन्होंने मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर पर इल्जाम आयद किया था कि उन्होंने मैच के दौरान मुबैना तौर पर खिलाड़ियों के अहले खाना से बदसलूकी की है। क्रिकेटर ने वजीर आला मरियम नवाज को टैग करते हुए मामले का नोटिस लेने का मुतालबा भी किया था। आमिर ने अपने ट्वीट में बताया कि मरियम नवाज ने वाके का नोटिस ले लिया है। वजीर आला ने खिलाड़ी को फोन करके वाके की मालूमात हासिल की। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और खिलाड़ी के दरमियान मामला सुलझा दिए। एक्स पर मोहम्मद आमिर ने फौरी कार्रवाई करने पर पोस्ट शेयर करके मरियम नवाज का शुक्रिया भी अदा किया। फास्ट बॉलर ने लिखा, मैं वजीर आला मरियम नवाज का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने अहले खाना के साथ स्टेडियम में पेश आने वाले वाके का नोटिस लिया और अपना कीमती वक्त निकाल कर फोन किया। उन्होंने बताया, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने भी खुद जाती तौर पर मेरी तमाम गलत फहमी दूर कर दी है।